गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट जीके। आज हम हैं पेज नंबर 40 और 41 पे। कल मैंने आपको पेज नंबर 38 और 39 बताया था नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेज नंबर 40। ठीक है, फेयर और फेस्टिवल्स। ठीक है, गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल आर एंड फेयर आवर कंट्री। राइट द नेम ऑफ द स्टेट सिटी वेयर दे आर ऑर्गेनाइज। जो सिटी किस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है, ये आज हम इसको क्वेश्चंस में जानेंगे और कहाँ का कौन सा फेस्टिवल होता है। फर्स्ट है फेस्टिवल ऑफ गार्डन्स। ठीक है, अर्लियर कॉल्ड रोज फेस्टिवल। जहाँ रोज फेस्टिवल होता है वो कहाँ पर होता है, चंडीगढ़ के अंदर। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला कहाँ लगता है, इसमें पिक्चर्स में दिख रहा है आपको, बिहार के अंदर। ठीक है, थर्ड है हम्पी फेस्टिवल। जो हम्पी फेस्टिवल होता है उसको हम, वो कहाँ होता है, ये हम्पी फेस्टिवल कर्नाटक। ठीक है, फोर्थ आता है बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल होता है आसाम के अंदर। ठीक है ना, और फिफ्थ एलोरा फेस्टिवल। एलोरा फेस्टिवल आपने अजंता एलोरा सुना होगा, होता है महाराष्ट्र के अंदर। सिंधु दर्शन फेस्टिवल, जहाँ सिंधु दर्शन फेस्टिवल होता है वो है लेह। ये लेह दिख रहा है, ये सिंधु फेस्टिवल है। ठीक है, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह होता है ग्वालियर के अंदर। ये 7 पॉइंट में आप देखेंगे ये तानसेन समारोह। ठीक है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, सबसे बड़ा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है, उसका आंसर है आपका ये 8th वाला। तो ये पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर्स में नंबर डले हुए हैं, ये हेल्प बॉक्स की मदद से हम पूरा इसको फिल करा हमने। ठीक है, हम आ जाएँ 41 पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जर्म्स ऑफ योर कंट्री। ठीक है, आपकी कंट्री में कौन कौन से जर्म्स हैं ये आप मैं बताऊँगा इसके अंदर। फर्स्ट है ही वाज मैन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द बिरला ग्रुप। बिरला ग्रुप के जो फाउंडेशन थे वो कौन थे, या हम इसमें ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है सबसे जी डी बिरला। ओके, सेकेंड आता है हमारा ही वाज एन ऑर्थोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट आल्सो नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वाज अ डीपली पैशनेट ऑफ द अबाउट स्टडी ऑफ द बर्ड्स। जो जिन्होंने बर्ड्स के ऊपर स्टडी करी हुई है और सब सबके बारे ज़्यादा जानकारी है वो है सलीम अली। सेकेंड, ठीक है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, थर्ड है ही इज़ द फेमसली नॉन एज द मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया एंड रेनोटेड एज द आर्चिस्ट ऑफ कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट। जिनने कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट बनाया और जो सबसे ज़्यादा साझेदारी करी। थर्ड है आपका ये, देखिए थर्ड वाला। ओके, ये थर्ड, ठीक है ना, श्रीधरन। ओके, फोर्थ आ जाता है ग्रेट साइंटिस्ट एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, फिफ्थ है आप वेल नोन एज सोशल आर्टिस्ट ऑफ द इंडिया, शी इज़ नॉट नोन ऑफ द फॉर द रोल ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिफ्थ वाला। ओके, ठीक है, मेधा पाटकर। सिक्स्थ है हमारा आल्सो पॉपुलर नोन एज द बाबा साहेब, ही इज़ द रिसीव एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अम्बेडकर। 7 है एज वेल नोन एज सोशल आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, ही डेडिकेटेड हिज एंटी लाइफ टू केयर एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द लेक्सोडी पेशेंट। ये 7th वाला पॉइंट आप देखेंगे। ठीक है, बाबा आमटे, जो बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। लास्ट है हमारा शी वाज द फर्स्ट वूमेन टू बी द इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक है ना, ये देखिए सुचिता कृपलानी। ठीक है, तो ये पिक्चर्स में आपको सब में मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर की सहायता से हम इन क्वेश्चन को फिल कराए। ठीक है, ओके, थैंक यू।